ड्रोन्स यहाँ काम नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश भी मत करो, कोई फायदा नहीं। क्या? तुम उसका ध्यान भी भटका नहीं पाओगे, खामखा अपना चक्कर बर्बाद करोगे। इन दोनों की जोड़ी खतरनाक जो है। खैर चलो, क्यों ना आज फैसला हो ही जाए। क्या बोलती पब्लिक? क्या भाई, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। बेहोशी की दवाई की वजह से मास्टर जिराया के चक्र सही ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे। वाह जिराया, बेवकूफी करके थकते नहीं? वैसे बेवकूफ तो तुम हमेशा से ही थे, पर इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। वैसे ही सुनाड़े ने पहले ही तुम्हारी बैंड बजा दी है। याद है ना, आपके जुत्सु के लिए कुर्बानी की जरूरत थी। शायद वो दो कदम आगे की तैयारी में थी, वरना ऐसी दवा क्यों देती जिससे उसका जुत्सु काम ना करे। इसका मतलब वो जिराया को कुर्बान करने वाले थे। वाह, आज भी तुम उतनी ही कठोर हो, है ना सुनाड़े? बस यही देखना बाकी था, वो मेरी कमजोरी जान चुका है। तुम आज भी उतने ही बड़े कलंक हो जैसे तुम पहली मुलाकात में थे। बस बहुत हुआ, ये आदमी ऐसे मेरे सामने छिछोरे बाबा की बुराई नहीं कर सकता। समनिंग जुत्सु। ये तो वही 98 फॉक्स है जिसे चुनिन एग्जाम में देखा था। बेहतर होता अगर मैंने उसे उसी दिन खत्म कर दिया होता। अकात्सुकी और उनके लक्ष्य की खातिर मैंने इस लड़के को बख्श दिया था, पर सिर्फ कुछ ही हैं जो जानते हैं 5-pronged सील को कैसे तोड़ते हैं। थर्ड होगा के और हम लेजेंडरी सानिन। हाँ आपने सही कहा, पर भूलिए मत, अब ये जिराया का स्टूडेंट है। हाँ शायद तुम सही हो, ये वो जुत्सु जानता है तो 9-tailed फॉक्स की पावर भी यूज कर सकता है। एक सेकंड, क्या ये? इसे ज्यादा ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर दिया हमने? एक शिनोबी होने के नाते भी इसमें कोई खूबी नहीं थी। क्या हो गया मुझसे? इसे अब भी बहुत मेहनत करनी है। अब क्या गड़बड़ हो गई मुझसे? Hello everybody, मैं हूँ गामाटात्सु। Hey गामाटात्सु, तुम इधर कैसे आए और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? गामाकीची, कैसे हो भाई? ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने मुझे समन किया। आखिरकार अपना टाइम आ ही गया। बेवकूफ कहीं के, एक काम कर, एक चिप्स का पैकेट लेकर किसी कोने में जाकर खा। क्या यहाँ पर चिप्स मिलेंगे? आज तो अपनी लॉटरी लग गई। ये चलो शुरू करें। जिराया को तुम मुझ पर छोड़ दो, बाकियों के साथ क्या करना है ये तुम पर है। हाँ बड़े दुख की बात है, मैं एक बार सामना करना चाहता था, वो भी एक सानिन का। तुम्हारा सामना मुझसे है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, अर्थ स्टाइल डार्क स्वॉर्म। ये क्या, ये गड्ढा कुछ ज्यादा ही छोटा है, इसमें ये कहां से डूबेंगे? उस दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ, इतना भी बुरा हाल नहीं है, कम से कम ये सांप इस हाल में बचकर नहीं भाग पाएंगे। अगर मैंने सांस ली तो मैं इसी वक्त खत्म हो जाऊंगा। तेरे पैर। तुम दोबारा मुझे खा नहीं पाओगे। Needle Jesus!
मेरे जुत्सु में खास ताकत नहीं है। हम दोनों घायल हो भी जाएं तभी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। बेहतर होगा कि तुम अभी हार मान लो। बड़े ही दुख की बात है, मैं एक मेडिकल निंजा होने के नाते तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। दूर रहो, मेरे पास मत आना। प्लीज इतना भी मत डरिए लेडी सुनाली, वरना महान सान इनका नाम जिनमें लॉर्ड और ओठिमारू भी शामिल है वो मिट्टी में मिल जाएगा। हिल नहीं पा रहा, मेरी बॉडी भारी लग रही है। देखो अपने आप को, तुम्हें गाँव वाले संकी कहा करते थे और अब तुम उन्हीं के लिए अपना फर्जी फर्ज निभाते फिर रहे हो, वो भी इसके साथ। तुम जिंदगी में बहुत गिर गए है ना, मेरा यकीन करो मुझ में शुरू से ही असली हुनर की परख रही है, और ये लड़का कभी भी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसा शायद तुम्हें लगता हो, मैं उचीहा का क्या ही कर लेता है। तुम ये बताओ एक ऐसे बच्चे को सिखाने में क्या मजा आता जो अपने आप में एक जीनियस पैदा हुआ है। तुम्हें ये बच्चा इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें तुम्हें अपना बचपन दिखता है। ये निकम्मा कभी उचीहा को हरा नहीं पाएगा क्योंकि उसका जन्म हुआ है शारिंगान के शिनोबिया के साए में, और शारिंगान के बिना बेचारा नारुतो कभी उसे हरा ही नहीं पाएगा। एक शिनोबी की असली पहचान दुनिया के सभी जुत्सु का ज्ञान हासिल कर उन्हें मास्टर करने से होती है। हम निंजुत्सु आर्ट सीख सकते हैं और यही कारण है कि हमें निंजा नाम मिला है। ये सच नहीं, निंजुत्सु आर्ट से एक शिनोबी की पहचान नहीं होती। तुम वैसे भी ये सच कभी समझ नहीं पाओगे। एक असली निंजा वो होता है जिसके आगे आई हर चुनौती का वो सामना करे। हम हर बात पर सहमत हो ये जरूरी नहीं, पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर ही सकता हूँ। एक शिनोबी की जिंदगी में एक ही चीज है जो जरूरी है, और ये वो नहीं कि वो कितने जुत्सु मास्टर कर सकता है। जरूरी है कि उसमें जिगरा हो और वो कभी हार ना माने। बस बहुत हुआ, तुम सारी हदें पार कर चुके हो धोखेबाज। और कभी हार ना मानने का जिगरा उस बच्चे में कूट कूट कर भरा है। पता नहीं तुमने कौन कौन से जुत्सु सीखे हैं, पर मुझ पर वार करने के लिए अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या? कोई फायदा नहीं, मैं हिलते हुए टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाऊंगा। अरे यार, और मुझसे अभी तक चक्र संभाला भी नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से तुम्हारी बाई टांग की हड्डी टूट गई जब तुमने उस सांप का सामना किया, पर अगर सिर्फ एक हड्डी टूटी होती तो शायद तुम हिल पाते, लेकिन अब तुम ज्यादा जख्मी हो गए हो। मैंने तुम्हारे दाई टांग के मसल्स को भी डैमेज कर दिया है। अब मैं क्या करूं? इस जुत्सु के लिए तो दोनों हाथ चाहिए, अगर उसने मेरा एक हाथ घायल कर दिया तो खेल खत्म। बात क्या है, डर लग रहा है क्या? यहाँ से भाग कर छिपना तो नहीं चाहते ना तुम नारुतो? जहाँ तक मुझे याद है चुनिन एग्जाम में भी तुमने बस बड़ी बड़ी बातें की थी। मुझे कम मत समझो, मैं हार नहीं मानता और भागता नहीं। मुझे कम मत समझो, मैं हार नहीं मानता और भागता नहीं, चाहे मुझे जिंदगी भर एक गैनिन बनकर क्यों न रहना पड़े। मैं तुम सबसे डरकर भागने वाला कभी नहीं, मैं फिर भी एक दिन होकागे बन कर रहूंगा। तो अब तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई? वो इसलिए क्योंकि होकागे बनना मेरा गोल है, एक ना एक दिन मैं होकागे बन कर रहूंगा। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। अब तुम बच्चे नहीं रहे तो सोच समझ कर अपना मुंह खोला करो, खुद को ओवर एस्टिमेट करते हो तो मानो कभी कभी भाग लेने में ही भलाई होती है। एक शर्त, एक हफ्ता देती हूँ तुझे,
अगर इस दौरान तूने जुत्सु को मास्टर कर लिया तो मैं हार जाऊंगी और मान लूंगी कि तू होकागे बन सकता है, और ये हार तेरा होगा। तो मैं सबसे दूर ही ठीक थे नरोटो। बच्चे पर वार? ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है दादी माँ, अब पेट ही नहीं भरा। हमारी शर्त की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइए, ये कर्स्ड हार जल्द ही मेरा होने वाला है। शैडो क्लोन जुत्सु, शैडो क्लोन जुत्सु यहाँ काम नहीं आएगा। बस बहुत हुआ नरूटो, जरूरी नहीं कि मुझे प्रोटेक्ट करो, बस करो। मैंने कहा था कि जिद छोड़ दो, अब तुम गए, तुमने सब बर्बाद कर दिया। सपने भी जिंदा लोगों के पूरे होते हैं। उसका सामना नहीं कर पाओगे नरूटो, भाग जाओ। मेरी फिक्र करना बंद करो। मैं जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता, चाहे जो हो जाए कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे बचते हो। ये लो। ये फिर से अपने चक्र की एनर्जी बढ़ा रहा है। नहीं, ये कोई और चाल है। अब मैं समझी, उसने क्लोन बनाया ताकि चक्र बिल्ड कर सके, इसने कमाल कर दिया। चक्र कंप्रेस करो, रुकना नहीं।